तकलीफ इस बात की है, देखिए ताजमहल के लिए जो कहना था कह दिया, तकलीफ इस बात की है कि इस देश में शिवाजी और महाराणा प्रताप की अगर हम आवाज उठा लें तो हमें बोलने नहीं दिया जाता। नहीं समित, ऐसी बात नहीं, समित देखिए, समित देखिए, समित किसी ने मना नहीं किया जाता है। शिवाजी और महाराणा प्रताप के पराक्रम को कोई निगेट नहीं कर रहा है समित, प्लीज। मुझे 20 सेकंड तो बोलने दीजिए, मैं आपसे कृपया करता हूं कि 20 सेकंड तो बोलने दीजिए, आपके लोग तो 20 सेकंड भी बोलने नहीं दे रहे हैं। 20 सेकंड दीजिए, मैं आऊंगा। संबित बहुत टाइम जाया हो रहा है, कंप्लीट योर सेंटेंस। टाइम जाया बाबर और औरंगजेब के कारण हो रहा है, शिवाजी को 20 सेकंड तक नहीं इतिहास दे रही है। शिवाजी कहां से आ गए? हजारों सेकंड आपने बाबर को दिया है, और इस जैसे बाबरों के कारण हिंदुस्तान का इतिहास धूलिसात हुआ है। ये बाबर और औरंगजेब ने हिंदुस्तान के इतिहास को, सुमित जी मुझे दीजिए जवाब दें, कोई भी जवाब दे, सुनिए कोई भी जवाब देंगे संबंध में, मैं आ रहा हूं अभी भी, कोई भी बात नहीं, पात्र जी मेरे की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों का मकसद एक ही है, की कोशिश है आज वर्तमान में नहीं इतिहास में भी की गई है 1830 के आसपास, अरे आप हमें भी कुछ ज्ञान देने दीजिए। अरे महाराज आपका ज्ञान सुन लिया, मैं बाबर बहुत अब ज्ञान, हमें भी कुछ ज्ञान देने दीजिए भाई। मकसद एक है, 20 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, हमें मार दो, यही आपका एकमात्र उपाय। अरे कहां से आ गए भाई, ये मकसद हम पूरा नहीं होने देंगे, ये पूरा होने नहीं देंगे। अरे पिच पर से हट के खेलने लग समित प्लीज, बाबर आपके कौन है आप? अरे बाबर आपका कौन है? पिच पर रह के खेलिए, जो बॉल आ रही है उनको डिफेंस कीजिए, ये चक्कर भाई आपके पास जवाब है भाई, मेरे पास जवाब 10 सेकंड रुक, मेरे पास जवाब है जी, बोलिए। इतिहास में 1830 के आसपास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक 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 फतवा जारी किया था, फरमान जारी किया था कि ताजमहल को गिराया जाए और उसके संगमरमर को नीलाम किया जाए। सन 2000 में पुरुषोत्तम नागेश करके कोई व्यक्ति था जिसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि ताजमहल एक हिंदू शासक का बनाया हुआ है, उसको जो है हमारे हवाले किया जाए और ताजमहल का इतिहास बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अर्जी थी वो खारिज कर दी थी। मैं ये कहना चाहता हूं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, कौओं के कायका करने से आसमान नीचे नहीं गिरता, और ताजमहल हिंदुस्तान की आन बान शान के साथ खड़ा है सदियों से, सदियों तक। शुभ रास्ता अच्छा काम किया है, क्यों जनता उनके पीछे? मैं संगीत सोम जी ने अच्छा काम किया या नहीं, मैं उस पर इसलिए बहस नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि मैं भाजपा के प्रवक्ता नहीं, उसके लिए संबित पात्रा जी जवाब देंगे। आप नहीं है, आप प्लीज एंकर का रोल मत अदा कीजिए। फहीम भाई मैं बात कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन, क्या आपको लगता है फहीम भाई ने जो कुछ कहा उससे किसी भी भारतीय के लिए फक्र की बात है? मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि दो मैं एज अ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर एज और एज अ रिसर्चर मैं दो मुद्दों में इसको दो तरह से मैं देखना चाहती हूँ। अगर मैं भाजपा के लिए राजनीति कर रही होती तो मैं संगीत सोम जी को टैसेट अप्रूवल जरूर दे रही होती, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक पर्टिकुलर कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो अपील करेगी, वो चीज आपके ट्विटर पोल पे वो नतीजे आ रहे हैं। एज अ रिसर्चर अगर मैं देखती हूँ तो मैं इसलिए इस बात का समर्थन करती हूँ क्योंकि इतिहास पे सवाल तो उठाए जाने चाहिए, ये इतिहास के दावे की लड़ाई है एक तरीके से, और इसमें जो स्थापत्य मुहावरे हैं और जो स्थापत्य हैं उनको तो आदमी उनको खत्म नहीं किया जा सकता भाई, वो हमारी शान है। मैं फहीम जी की बात से अग्री करती हूँ कि वो हमारी शान है, पर्यटन में उसने हमें अभी तक रेवेन्यू दिया है, आगे भी उसका हमें लाभ भी मिलेगा, मिलना भी चाहिए, और वो केवल लाभ और उस लेंस से भी नहीं, वो हमारी शान है क्योंकि वो आर्किटेक्चरली एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसको मोहब्बत की इमारत माने, मुझे इससे दिक्कत है, एज अ रिसर्चर मुझे इससे दिक्कत है, क्योंकि जब मैं उन 20,000 कारीगरों के बारे में सोचती हूँ जिनके हाथ काटे गए तो मैं उसको नहीं है। देखिए मैं इसमें फहीम जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, अभी नहीं, आपसे देखिए आप अगर यहाँ बैठकर नहीं प्रमाण नहीं तो ऐसे तो फिर प्रमाण कैसे है कि शाहजहां ने बनवाया, कैसे है प्रमाण नहीं बताइए ना, आप वैसे ही क्या बात कर रहे हैं, कारीगरों के हाथ काटे गए ये भी हिस्ट्री में लिखा है। आप अनजान नादान की तरह, मैं अनजान नादान की तरह बात नहीं कर रही, ये मुझे इन्फेंट, ये महिलाओं को इन्फेंटलाइज करने वाला आर्गुमेंट मत दीजिए, फिर महिलाओं पे बिल्कुल आऊंगी मैं, आप बात करिए ताजमहल की, आप भ्रम फैला रही हैं, आप यहाँ मिथ्या और भ्रम फैला रही हैं, तो मैं आपको यहाँ रोकूंगा ना, 20,000 कारीगरों की गलत बता दीजिए, कहाँ बता दीजिए, इतिहास में कहाँ दर्ज है,
कौन से इतिहासकार ने इसका वर्णन किया है और कौन सी इतिहासकारों के बाहर पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ आएगा। अरे भाई मैं अपनी अपनी की बात की लड़ाई है, मुझे बता दीजिए ना, मैं कोट कर रहा हूँ और अभी पढ़ के आऊंगा और डिबेट रखवाएंगे। आप मुझे उस इतिहासकार का नाम और किताब का नाम बता, ठीक है? सुमित जी, कंप्यूटर मैं देखिए वो 20,000 का, ठीक है? पर अपने हिस्ट्री की वारिस पठान क्या ये दावा गलत है? जो जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने, जिन कारोगरों ने, जिनके साथ अत्याचार हुआ उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, उस पर तो कभी नहीं हुई ना। आप केवल ताज की खूबसूरती पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किला भी गद्दारों ने ही बनाया है, जिनको आप गद्दार कह रहे हैं, हम तो उनको भारत के उस समय के सम्राट मानते थे। और ताजमहल भी उन्होंने बनाया, तो आपने बाबरी मस्जिद डा दी, सब भाजपाई लगो, ताजमहल और लाल किले को भी तोड़ डालो। और कुछ और गद्दारों ने जो है राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बनाई है, उसको भी तोड़ डालो। धन्य हो सोम, सारे भाजपा ही ऐसा लगता है मुझको सोमरस पी करके बयान दे रहे हैं। जिस ताजमहल पर हिंदुस्तान, सवाल समित पात्रा आपसे है, जो कुछ कहा संगीत सोम ने, भारतीय जनता पार्टी के आप औपचारिक आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब संगीत सोम ये कहते हैं कि यूपी में एक निशानी को लेकर बहुत से लोगों को दर्द हुआ, आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों से निकाल दिया गया, कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, ताजमहल को बनाने वालों ने अपने पिता को कैद कर लिया था और हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, ऐसे लोगों का आज भी नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं गारंटी से कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा, इतिहास बदल रहा है। पिछले बहुत सालों में से हिंदुस्तान ने जो इतिहास बिगाड़ने का काम किया है, यूपी और केंद्र की सरकार इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है, किताबों में लाने का काम कर रही है। कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उन लोगों के इतिहास को निकालने का काम कर रही है। शांति के साथ सरकार को काम करने दीजिए। संबित पात्रा, इस बयान से भारतीय जनता पार्टी कितनी अधिक खुश हुई है आज? देखिए सुमित जी, इस बयान को मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। पहला हिस्सा जहाँ ताजमहल को एक मॉन्यूमेंट के रूप में और ताजमहल का अपमान, कि ताजमहल एक निशानी है और ताजमहल को हम नहीं मानते हैं, ये उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, ताजमहल आज हिंदुस्तान का धरोहर है, ये टूरिज्म के रूप में हमें बहुत मुनाफा देने वाला एक स्पॉट है और पूरे विश्व में भारत की एक रूप से पहचान भी ताजमहल से बनी हुई है। देखिए, ताजमहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी के सरकार ने 155 करोड़ रुपीज ताजमहल और उसके आसपास के, क्योंकि ताजमहल पे किसी प्रकार का रिनोवेशन का काम नहीं हो सकता है, इसलिए उसके आसपास के क्षेत्र को पार्किंग इत्यादि के डेवलपमेंट में 156 करोड़ रुपीस खर्च करने का मन बनाया। यही दिखाता है कि ताजमहल एज अ मॉन्यूमेंट। सवाल सीधा था, संगीत सोम के बयान से कितनी खुश हुई है पार्टी आज? या तो खुश हुई है या नहीं? मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। या तो खुश हुई है या खुश नहीं? मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, देखिए, ये इतना एक महत्वपूर्ण सवाल है, केवल खुश हुई है हाँ या ना में अगर वोटिंग हो जाएगा तो मुझे लगता है ये उत्तर सही नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे थोड़ा 10 सेकंड दीजिए। मैंने आपको कहा कि जहां तक ताजमहल एज अ मॉन्यूमेंट पे सवाल उठता है, वो सवाल हम नहीं उठाते हैं, ये उचित नहीं है, हम खुश नहीं हैं। जो सवाल उठाए दूसरी बात, जैसे विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए विधायक, दूसरी बार के विधायक, उनका क्या करना चाहिए? उनको पार्टी में सम्मानित कर औपचारिक पद देना चाहिए, केंद्र में मंत्री बना देना चाहिए, यूपी की सरकार में मंत्री बना देना चाहिए, क्या करना चाहिए संगीत सोम जी के साथ, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए सुमित जी, मैंने दूसरे हिस्से को अभी छुआ नहीं है, दूसरे हिस्से के स्पर्श करते हुए, क्या ये हकीकत नहीं है कि मुगल काल, जिसको हम मानते हैं, बहुत लोगों से गौरव काल मानते होंगे, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे भी होंगे जो मुगल, पात्रा जी यहाँ पर जलेबी नहीं चलेगी, यहाँ सीधा बताइए, कौन मुगल बादशाह बोल रहे हैं? आप क्या, ये कौन मुगल बादशाह बोल रहे हैं भैया, हमें बोलने दीजिए। अरे तो आप ज्ञान मत हमें बोलने दीजिए, सवाल मुझसे पूछा गया है, औरंगजेब से सवाल नहीं पूछा गया है, संगीत सोम सवाल मुझसे पूछा गया है, मुझे जवाब देने दीजिए। सरकार से प्रोत्साहित करेंगे आप औरंगजेब और बाबर को बचाने क्यों आगे आ गए हैं भैया?
आप औरंगजेब और बाबर को बचाने क्यों आ गए सामने, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद औरंगजेब बाबर की बात नहीं हो रही है भाई, ताजमहल की बात हो रही है। औरंगजेब आपका कौन है? औरंगजेब आपका कौन है? आप मिल गया रास्ता, बाबर आपका कौन है? मैं पूछता हूँ, मिल गया रास्ता, कौन है आपका? आपने दिया फहीम बेग, बिल्कुल रास्ता मिलना चाहिए और यही सवाल मैं उठाना चाहता था। कौन है बाबर इस मौलाना का? फहीम बेग एक मिनट, संबित पात्रा मेरे सवाल का, संबित पात्रा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संबित पात्रा मैं आपको डिबेट नहीं करने दूंगा, डिबेट शुरू हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, संगीत सोम ने अगर अच्छा काम किया तो पार्टी ताली क्यों नहीं बजा रही है, और अगर संगीत सोम ने आज बुरा बयान दिया तो पार्टी चुप्पी साध के कैसे बैठ सकती है? क्यों नहीं संगीत सोम के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा? सीधी सी बात देखिए सुमित जी, ससम्मान मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आप देश के मूर्धन्य एंकरों में से एक है। पार्टी क्या काम करेगी, कैसे करेगी, मैं ये अहंकार पूर्वक नहीं कहना चाहता हूं। ताली बजाना हो या ताली नहीं बजाना हो, उसका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होती है, पार्टी अपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही काम करेगी। ये मैं सम्मान पूर्वक आपको, अहंकार पूर्वक नहीं बता रहा हूं। मगर हाँ, मैं इस डिबेट में ये छेड़ना चाहता हूं एट द टॉप ऑफ द डिबेट कि क्या मुगल हमारे वंशज के रूप में हम उन्हें देखें, आक्रांता के रूप में देखें? क्या ये हकीकत नहीं है कि हम मुगल काल में स्लेवरी, मतलब आप मानते हैं गुलामी के काल में देखते हैं? आप मानते हैं संबित पात्रा जी, आप मानते हैं ट्रेलर से गद्दार है मुगल? आप मानते हैं इस बात को? मुगल आक्रांता है, इसमें कोई तो फिर आपको पढ़ के सुना देता हूं, कब निकले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और बीजेपी के तमाम आपकी पार्टी के लोग, जबकि लाल किले पे चलकर हम काला कपड़ा चढ़ा दें, ताजमहल पे चलकर हम काला कपड़ा चढ़ा दें, हम ये तय कर लें कि आज के बाद दुनिया को दिखाएंगे नहीं, ये हम कब करने निकल रहे हैं बताइए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बतौर ताजमहल आपको मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ताजमहल बनाइए, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। नहीं रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए ना, सवाल मुझसे है। पहली बात है, जहां तक ताजमहल का सवाल है, ताजमहल का सम्मान होना चाहिए, कोई काला कपड़ा नहीं बल्कि आराम से काला चश्मा खोल के ताजमहल को देखना चाहिए, संगीत सोम को बोलने क्यों नहीं रहे अभी? निहारना चाहिए, ये संगीत सोम को क्यों नहीं बोल रहे हैं? तभी तो मेरा सवाल है, तभी तो हम 156 करोड़ दे रहे हैं। मगर ये आप बताइए कि बाबर आक्रांता था या बाबर देश का हितैषी था? ताजमहल उल्टा कमा के दे रहा है आपको। मैं बाबर को आक्रांता मानता हूँ, मैं बाबर को आक्रांता मानता हूँ, राज्य सरकार को उल्टा ताजमहल कमा कर दे रहा है। ओपन करता हूँ, संबित आपकी बात सुनी मैंने, मान रहा हूँ फहीम बेग योर पॉइंट, मैं तो मानता हूँ फहीम बेग कमा के दे रहा है, फहीम बेग आपके अपने वर्जन रखिए, 6 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। देखिए बेसिक बात यह है कि आप जो है हमेशा हमेशा आपकी पार्टी ने दो रुखी बातें कही है, संगीत सोम जैसे नेता जो हैं कुछ कहते हैं और आपके अपने जो वरिष्ठ नेता वो कुछ और कहते हैं। नरेंद्र कोहली कहते हैं खुद इस बात को कि वो हमारा अभिन्न अंग है हमारे इतिहास का, और आपकी रीता भगुना खुद कहती हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती, और बल्कि आपके जो सिद्धार्थ कुमार जी हैं जो मंत्री हैं वो खुद कहते हैं कि ये गलती से छपा गया, छपाई की गलती की वजह से इसको टूरिस्ट जो उनकी लिस्ट थी उससे गायब कर दिया गया। मगर अफसोस इस बात का है कि आपके उस नेता का ज्ञान कितना बड़ा है, वो खुद कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति ने बनाया जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया। अरे शाहजहां तो खुद उसका बाप था भाई, शाहजहां ने वो बनवाया, औरंगजेब ने थोड़ी बनवाया, और औरंगजेब और शाहजहां का पूरा उसको मालूमात नहीं है जिस प्रकार से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और एक समाज और एक एक, एक मतलब इतिहास से जिसको ताजमहल को काट के दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या विश्व में ताजमहल ने भारत की आन बान शान को नहीं बढ़ाया है? क्या दुनिया के बहुत सारे शहर इससे प्रेरित होकर अपने मॉन्यूमेंट नहीं बना रहे हैं? क्या पूरे देश में बिल्कुल नहीं? फहीम बेग यू मेड अ पॉइंट, संबित पात्रा 20 सेकंड मेरी बट, संबित पात्रा 20 सेकंड मेरी बट। देखिए सुमित जी, मैंने कहा आपको कि इसमें कोई शक नहीं है कि ताजमहल के ऊपर नो इफ्स एंड बट्स, कोई डिबेट नहीं हो सकता है। ताजमहल धरोहर है और उसकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। बकौल संगीत सोम धब्बा, मुझे बोलने दीजिए, कलंक मुझे, ठीक है सुमित जी, नहीं, संबित जी मैं आपको बोलने देता, संबित जी मैं आपको बोलने देता, पर मैं, मुझे अच्छा लगता कि आप कहते हैं कि संगीत सोम ने गलती की है। प्रधानमंत्री ने एक प्रेसिडेंट स्थापित किया था, मुझे वो घटना आज भी याद है, मंत्रियों के साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के चुनावों में एक बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर उस बयान के लिए खेद जताया था, माफी मांगी थी। आज सिर्फ 10 सेकंड, संबित पात्रा मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो ही चीज जानना चाहता हूं, संगीत सोम ने अच्छा काम किया तो आप ताली बजाइए, हम आज देख लेते हैं, और अच्छा काम नहीं किया तो बोलिए पार्टी एक्शन लेगी, बस इतनी सी डिमांड है मेरी आपसे।
मैं आपसे मैंने कहा ना ससम्मान कहता हूं, जहां तक ताजमहल का सवाल है उस पर कोई विवाद नहीं है, मगर सुमित जी हम लोग हम एक इतने सुंदर लोकतंत्र में रहते हैं, क्या इस पे डिबेट नहीं हो सकता है कि जो मुगल राज था वो मुगल राज टायरनी का राज था, वो मुगल राज हमारे लिए गुलामी का राज था या नहीं? मैं तो कहता हूँ ना, मैं विडंबना नहीं हूँ उसमें कोई, मुगल राज हिंदुस्तान के गुलामी का राज था, ये हकीकत है और इतिहास का हकीकत रहेगा। अंबेडकर जी ने, आप अंबेडकर को मानते हैं, पढ़ूं मैं अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी को आप नहीं मानते होंगे, मैं मानता हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं अंबेडकर जी ने मुगल राज के लिए क्या कहा। अंबेडकर जी को आप नहीं मानते होंगे, मैं मानता हूं, मुझे अंबेडकर जी ने क्या कहा? आप दोनों को रोकूंगा अंबेडकर जी ने क्या कहा, फहीम बेग सेकंड में, संबित जी फहीम बेग एक मिनट, आप दोनों को रोकूंगा। और भी पैनलिस्ट है अपनी बारी का, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अभय दुबे, वारिस पठान, रामकृपाल जी और शुभ्रास्था, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। नहीं कह रहे हैं, ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ कहने वाले 40% और नहीं कहने वाले 60%। ज्यादातर लोगों को लगता है कि संगीत सोम को बीजेपी से बाहर नहीं करना चाहिए, संगीत सोम ने जो कहा वो ठीक कहा। संबित पात्रा, शायद आपको जनता का पोल देखकर कुछ बल मिलेगा, लेकिन मैं डिबेट की शुरुआत, इस अंश की शुरुआत करना चाहूंगा रामकृपाल जी आपके साथ। जो कुछ कहा और जिस तरीके से संगीत सोम ने कहा, बड़ी भीड़ में, रैली में, क्या भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर चले? एक भी बीजेपी का नेता उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं कर रहा है, उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे, क्यों? सुमित जी, मैं इजाजत लूंगा आपसे कि एक फिराक का एक शेर सुनाना चाहता हूं जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर आज की तारीख में लागू होता है। फिराक ने लिखा है कि पाल ले एक रोग नादा इस सफर के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। ये देखिए, हर जगह पे ये हर पॉलिटिकल पार्टी जैसे लोगों को रखती हैं, उन्हें जैसे कभी था निंदक नियरे राखिए, आज ऐसा है कि ऐसे लोगों को एक रोग ही है, लेकिन बेजरूरी है, क्योंकि कुछ वोट बैंक जैसे अभी आपने दिखाया, देख लीजिए आप जी, ये सारे कहने वाले उनकी लेवल के नहीं होंगे, इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 60% कह रहे हैं कि नहीं जी। अब आप सोच सकते हैं जी। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस करना चाहते थे उसमें सफल हुए हैं जी। और इस मुद्दे पर हम और डिबेट करके और जितना बात करके उनका मकसद पूरा करते हैं, क्योंकि इस तरह की बात न करें तो कोई अखबार में कभी कुछ छपता ही नहीं है। तो ये सुमित जी, ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, आश्चर्य तब होता जब इससे इतर कुछ वो इंटेलेक्चुअल बात करते right। ऐसे है जैसे साक्षी महाराज कोई कभी धर्मनिरपेक्षता की बात कर दें, या वो कांग्रेस पार्टी के कौन सज्जन थे जिन्होंने कहा था फर्जी स्ट्राइक है, तो ये हर पार्टियां ऐसे लोगों को रखती है। सर, आपने संगीत सोम का तो इतिहास रहा है, मुजफ्फरनगर से लेकर आज तक उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, मेरे ख्याल से पार्टी के लिए वो एम्बैरेसमेंट ही बने। अभय दुबे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जनता को आज भी लगता है जो पोल चल रहा है वो कह रही है कि बीजेपी के बाहर करने का कोई राज नहीं है इनका, बीजेपी में रखना चाहिए इनको, अभय दुबे? सुमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत से अघोषित मुखपत्र जारी कर रखे हैं जिनको वो स्वीकारते भी नहीं, नकारते भी नहीं। संबित पात्रा जी, एक बात बताइए, एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास सैकड़ों लोगों की, जिसमें अजीम उल्ला खां, मौलवी अहमद शाह, वारिस अली, पीर अली, मौलवी सादत खां, वलीदत खां, सैयद से, सैकड़ों लोगों ने अपनी जाने इस वतन पर कुर्बान कर दी आजादी के आंदोलन में। हाँ, एक गद्दार था मुसलमानों में, वो था फजलुल हक 1940 में। उस गद्दार के साथ जानते भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर इस देश की आजादी के आंदोलन को नकार कर सरकार बनाई। 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। आज दिनांक तक एक काम बता दीजिए हिंदुओं के हक में किया हो। मम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, भोजशाला का विवाद हम हल करेंगे। अभय दुबे मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप इतिहास के जानकार हैं, काफी होमवर्क करके बैठे हुए हैं। अगर कोई शख्स इतिहास पे सवाल खड़े करता है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में संगीत सोम, और वो ये कहता है कि जिसने हिंदुओं के तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताजमहल बनवाने के बाद, 20,000 लोगों को अपंग कर दिया, फिर ये कैसी मोहब्बत की निशानी है? क्यों इस मोहब्बत की निशानी पे चर्चा होनी चाहिए? तो अभय दुबे, उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए क्या? संगीत सोम
क्या हमको छोड़ देना चाहिए उस बातचीत को? श्रीवास्तव में आता हूं। अबे दुबे संगीत सोम जी से अलग कोई योगी जी ने नहीं बयान दिया। अभी पटना में क्या कहा, आपने प्रश्न किया कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि नहीं, तो वो आदित्यनाथ जी ने कहा कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज उसको गौरव का प्रतीक बताती रीता बहुगुणा जोशी कहती है कि मेरे मुख्यमंत्री और मेरे लिए गौरव का प्रतीक है इस भारतवर्ष के। फिर आप किसी इतिहास के रक्षक डरते क्यों हैं? अपनी बेगम को समर्पित किया प्यार का प्रतीक, लेकिन दुबे जी सुमित जी मुझे जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं मेरा रिसर्चर एस्पेक्ट थोड़ा नीचे दब जाता और मैं एक्टिविस्ट मोड में आ जाती हूँ। इसलिए क्योंकि ये पूरा, अब मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह से आजकल मंदिरों में जाकर के, कभी तो मंदिर में छेड़खानी होती थी, बता स्वयं जाकर मंदिरों में तिलक विलक लगा करके जो राजनीति कर रहे हैं उसके हिसाब से इन्होंने जो बयान दिया वो काफी अच्छा दिया एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। पर दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी। संगीत सोम जी का जो बयान था उसमें दो पक्ष है, उन दो पक्षों पर अलग अलग चर्चा होनी चाहिए। उसका एक राजनीतिक पक्ष है जिसके लिए जो अभी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ रामकृपाल जी ने जो बात कही वो बहुत सटीक बैठती है, लेकिन उसका जो आइडियोलॉजिकल पक्ष है उस पर भी तो बात होनी चाहिए। इतिहास का एक वर्जन हम पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास के दूसरे वर्जन को सुनने के प्रति इतनी असहिष्णुता क्यों है? जब जब बात आती है तब तब इसको कम्युनल एंगल क्यों दिया जाता है? भाई हमारे आप जैसे ब्रेक के समय बात हो रही थी अगर आपसे, अरे तो निर्णायक भूमिका निभाए ना दुबे जी, मुझे बोलने दीजिए। आपने ऐसा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के आधार पर कब तक आपने बोल दिया कांग्रेस प्रवक्ता की निर्णायक भूमिका क्यों नहीं निभाती? अगर है तो दम नेस्तनाबूद कर दे, अगर दम नेस्तनाबूद करेंगे सर वो हमारे पर्यटन का एक बहुत बड़ा, हमारी पर्यटन का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, ताज हमारी शान है, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, सारी बातें आपकी सही है। पर्यटन को लेकर तो संगीत सुम जी ने कहा कि वो पर्यटन का बहुत अच्छा स्थल है, वहाँ पे लोग आते जाते आना चाहिए, लेकिन उनको वो सुंदर लगे या ना लगे इसकी इसका तो फासिस्ट, लेकिन शुभ्रास्ता यूपी सरकार की सूची में उसका नाम ही नहीं है। पर्यटन क्षेत्र की जिन सूची आई है उसमें उनका नाम हटा दिया गया, और तमाम वो धरोहरें जो मुगल शासन की है उनको हटाया गया। क्यों हटाया गया सुमित जी? क्यों हटाया? सुमित जी मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूँ, यूपी ये गलत बात है कि यूपी सरकार के टूरिज्म में, सुमित जी मुझे भी बोलने दिया जाए इसके बाद, मैं आपको इसका तथ्य दे देता हूँ। आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ था उस समय ये पत्रिका बांटी गई थी, उस पत्रिका का शीर्षक देखिए, द हिंदू मॉन्यूमेंट्स जो रामायण सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट में जिसको रिनोवेशन करके टूरिज्म में आगे बढ़ाया जा सकेगा उसकी पत्रिका थी। बाकी टूरिज्म के पत्रिका से कहीं भी ताजमहल को हटाया नहीं गया है, बल्कि 156 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किया गया है। नया नहीं है सर, सीएनएन न्यूज 18 के अंग्रेजी चैनल की रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट में आपने गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन को बुला करके पूछा, वारिस पठान अबे दुबे वारिस पठान बोलना चाह रहे हैं। अबे दुबे मैंने सबकी बात आधे घंटे से बैठ के सुना, अभी मुझे एक 30 सेकंड का वक्त दिया जाए मेरी बात रखने के लिए। सुमित जी सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं कि जो ये स्टेटमेंट संगीत सोम ने दिया ये टोटली कंडेमेबल है, डेप्रोबेबल है और एक नॉनसेंस है। ये उस आदमी ने दिया है जिसको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या उन्हें ये पता है? उन्होंने कहा ये बोल्ट है, कलंक है हिंदुस्तान पे, उन्होंने कहा ये गद्दारों की निशानी है। क्या उनको ये पता है कि हमारे हिंदुस्तान का ये ताज है, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है? और जिनको उन्होंने कहा गद्दारों की निशानी है, क्या उनको ये पता है कि उन्होंने ही रेड लाल किला बनाया है, रेड फोर्ट बनाया है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर झंडा हमारा होस्ट करते हैं? तो क्या सोमित जी उनको जाके बोलेंगे सोम जी कि आप वहां पे झंडा मत होस्ट कीजिए? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया कि ताजमहल को आप लाल किले से मत जोड़िए। तो मेरे उन्होंने कहा कि ताजमहल को लाल किले से मत जोड़िए, लाल किला सुरक्षा के मद्देनजर बनाया गया था, ताजमहल प्रेम की निशानी है। तो क्या मैं ये मान लूं कि संबित पात्रा जी उनकी बात को एंडोर्स करते हैं कि जो सोमित ने कहा वो सही है, जो सोम ने कहा सही बात है? मैं ये मानूं? अगर नहीं तो बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी की एक चाल है, ये एक सियासत है, ये सोची समझी चीज है कि उनके जो फुट सोल्जर्स होते हैं मोदी जी के
वो बार बार आकर इसी तरह से देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की ठीक है संबित पात्रा जवाब दीजिए। मोदी जी आके सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की सोची समझी रणनीति है और यही बात संबित बारिश पठान के नेता ओवैसी ने भी दिन में कही, बीजेपी के और आप एंडोर्स करते हैं संगीत सोम की बात को। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, यदि आप मानते हैं कि ये कलंक है तो यूएनएस्को को लेटर लिख दीजिए, बोल दीजिए देश को कि कोई भी ताजमहल नहीं देखने आए। सुमित जी 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 समित बोलिए, बहुत सारी निशानियां दूसरी भी सही बात है, अगर ये काम की चीज नहीं है ताजमहल तो यहाँ पे टूरिस्ट के जाना बंद करिए। पूरे वर्ल्ड की तरफ हमारा संदेश भेज रहे हैं संबित पात्रा जवाब दे। बारिश पठान जी का रैली खत्म हो जाएगा तब जो पैसा आता है टूरिज्म से वो भी दे दीजिए गरीबों को। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। करीब 25 करोड़ रुपए की सालाना कमाई है ताजमहल, 25 करोड़। बोल दीजिए कि ताज में कोई नहीं जाए, हैदराबाद हाउस भी क्या गद्दारों ने बनाया था आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन के हिसाब से पात्रा? ये क्यों रहा संबित पात्रा देखिए जरूरी है बारिश भाई सरकार बारिश भाई मैं आपकी बात को एक लाइन में समाप्त करता हूँ। ये तमाम वही मॉन्यूमेंट्स जो मुगल शासक के साथ थे, जो इस्लाम के साथ जुड़ते हैं, जो मुसलमानों के साथ जुड़ते हैं, वो बीजेपी के निशाने पर है। इसीलिए औरंगजेब रोड का नाम बदला जा रहा है, इसीलिए अकबर रोड के नाम बदलने की कवायद चल रही है, क्यों भाई? संबित पात्रा देखिए सुमित जी, अगर एक इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है तो कुछ इसमें से ज्ञान की बातें भी निकलनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं रहा है, अरे सरकार गवर्नेंस के नाम पे फेल हो चुकी है, बोल ले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के लिए लोग गालियां दे रहे हैं, गुरदास्पोर्ट बोलिए सुमित जी मुझे 50 सेकंड नहीं कर रही है। देखिए सुमित जी, जहां तक मॉन्यूमेंट का सवाल है, मैंने बड़े स्पष्टता से कहा मॉन्यूमेंट के ऊपर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है, मॉन्यूमेंट बिल्कुल जो धरोहर है उसको धरोहर ही कहना चाहिए। जहां तक इतिहास का सवाल है कि क्या बाबर, क्या घोरी, क्या गजनवी, ये हमारे पूर्वज थे, क्या इन्होंने देश का मंगल किया, क्या ताजमहल, मैं बात कर सकता हूँ सुमित जी, या मुझे यहाँ बोलने का, अरे ये झोले में से इस तरह के 10 सेकंड तीर मत निकालो। फहीम बेग इसके बाद, फहीम बेग इसके बाद, नहीं नहीं नहीं, आप बाबर को बचाते रहिए, मेरा काम बाबर, मैं बाबर का प्रवक्ता नहीं हूँ, फहीम बेग में आऊंगा, मैं बाबर का प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे बोलने दिया जाए, फहीम बेग आई एम प्रॉमिसिंग यू। संबित कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ना, ये तो सही जो आप कह रहे हैं, किसने कहा अरे ये जो आप सुमित जी आपके डिबेट में बोलने तो दिया जाए, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ सुमित जी, मत लीजिए अनुरोध करता हूँ सुमित जी, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था पात्रा जी, आप चलिए आप सब काबिल मेहमान है। संबित बोलिए, संबित बोलिए, अभी दुबे में आऊंगा आपके पास भी। संबित कंप्लीट देखिए, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा था। बाबा साहेब अंबेडकर ने मुगल रूल के लिए लिखा था, सच वॉज द स्लॉटर ऑफ द बुद्धिस्ट प्रीस्टहुड। आप ये ज्ञान सुनवाएंगे तो मैं इस्लामिक इनहिबिटर्स का समय बर्बाद फहीम बेग में आऊंगा, फहीम बेग में आऊंगा, गिव हिम 20 सेकंड मुझे बात करिए, 20 सेकंड अरे ये लोग क्या ये बाबा और औरंगजेब हमें क्या सिखाएंगे, ये तो चाहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दी जाए, हमें मार दिया जाए, उसके बारे में बताइए ना, कहां ये ज्ञान देने की बात कर रहे हैं आप। चलिए सुमित जी, आपको बात करिए, कोई बात नहीं, मैं शांति से बैठ सुमित जी, सुमित जी मैं शांति से बैठा हूँ, ये बात हो रही है, तकलीफ इस बात की है, देखिए ताजमहल के लिए जो कहना था कह दिया, तकलीफ इस बात की है कि इस देश में शिवाजी और महाराणा प्रताप की अगर हम आवाज उठा ले तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, नहीं संबित ऐसी बात नहीं, संबित देखिए, संबित देखिए, संबित किसी ने मना नहीं किया जाता है, शिवाजी और महाराणा प्रताप के पराक्रम को कोई निगेट नहीं कर रहा है संबित, प्लीज मुझे मुझे 20 सेकंड तो बोलने दीजिए, मैं आपसे कृपया कहता हूं कि 20 सेकंड तो बोलने दीजिए, आपके लोग तो 20 सेकंड भी बोलने नहीं दे रहे हैं, 20 सेकंड दीजिए मैं आऊंगा। संबित बहुत टाइम जाया हो रहा है, कंप्लीट योर सेंटेंस। टाइम जाया बाबर और औरंगजेब के कारण हो रहा है, शिवाजी को 20 सेकंड तक नहीं इतिहास दे रहे हैं, शिवाजी कहां से आ गए, हजारों सेकंड आपने बाबर को दिया है और इस जैसे बाबरों के कारण हिंदुस्तान का इतिहास धूलिसात हुआ है, ये बाबर और औरंगजेब ने हिंदुस्तान के इतिहास को, सुमित जी मुझे दीजिए ये जवाब दे, फहीम बेग जवाब दे, सुनिए फहीम बेग जवाब देंगे, संबित पात्रा मैं आ रहा हूं, फहीम बेग जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों का मकसद एक ही है, की कोशिश है सेकंड के लिए पुलिस हटा दो और हमें काट दो, इतिहास में भी की गई है 1830 के आसपास, हमें काट दो, हमें भी कुछ ज्ञान देने दीजिए,
अरे महाराज आपका ज्ञान सुन लिया, बाबर बहुत ज्ञान हो गया, ज्ञान देने दीजिए भाई। मकसद एक है, 20 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, हमें मार दो, यही आपका एकमात्र उपाय। अरे कहां से आ गए भाई, पूरा नहीं होने देंगे, ये पूरा होने नहीं देंगे। अरे पिच पर से हट के खेलने लग गए बाबर, आप कौन है आप? अरे बाबर आपका कौन है? पिच पर रह के खेलिए, जो बॉल आ रही है उनको डिफेंस कीजिए। ये चक्कर भाई, आपके पास जवाब है? भाई मेरे पास जवाब 10 सेकंड में पूरा कर, मेरे पास जवाब है जी, बोलिए। इतिहास में 1830 के आसपास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक 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 ये फतवा जारी किया था, फरमान जारी किया था कि ताजमहल को गिराया जाए और उसके संगे मरमर को नीलाम किया जाए। सन 2000 में पुरुषोत्तम नागेश करके कोई व्यक्ति था जिसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि ताजमहल एक हिंदू शासक का बनाया हुआ है, उसको जो है हमारे हवाले किया जाए और ताजमहल का इतिहास बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अर्जी थी वो खारिज कर दी थी। मैं ये कहना चाहता हूं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, कौओं के कायका करने से आसमान नीचे नहीं गिरता और ताजमहल हिंदुस्तान की आन बान शान के साथ खड़ा है सदियों से, सदियों तक। शुभ रास्ता महिला वही में एक बात कर दीजिए, वही में तलाक के मामले में आपने सही किया, महिलाओं की आवाज नहीं सुनी आपने। अरे वो कोर्ट ने सुन ली, फहीम जी आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वही में वही में वही में वही में बहन जी, वही में वही में आज बताया, वही में अच्छा रुकिए, काम किया है क्यों जनता उनके पीछे? मैं संगीत सोम जी ने अच्छा काम किया या नहीं मैं उस पर इसलिए बहस नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं, उसके लिए संबित पात्रा जी जवाब देंगे। मैं बताती हूँ आपको, एज ह्यूमन से भारतीय तो बता दीजिए, जो फहीम जी एंकर आप नहीं हैं, आप प्लीज एंकर का रोल मत अदा कीजिए। फहीम भाई मैं बात कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बींग, एज ए इंडियन, क्या आपको लगता है फहीम बेग ने जो कुछ कहा उससे किसी भी भारतीय के लिए फख्र की बात है? मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि दो मैं एज अ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर एज और एज अ रिसर्चर, मैं दो मुद्दों में इसको दो तरह से मैं देखना चाहती हूँ। अगर मैं भाजपा के लिए राजनीति कर रही होती तो मैं संगीत सोम जी को टैसेट अप्रूवल जरूर दे रही होती, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक पर्टिकुलर कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो अपील करेगी, वो चीज आपके ट्विटर पोल पे वो नतीजे आ रहे हैं। एज अ रिसर्चर अगर मैं देखती हूँ तो मैं इसलिए इस बात का समर्थन करती हूँ क्योंकि इतिहास पे सवाल तो उठाए जाने चाहिए, ये इतिहास के दावे की लड़ाई है एक तरीके से, और इसमें जो स्थापत्य मुहावरे हैं और जो स्थापत्य हैं उनको तो आदमी उनको खत्म नहीं किया जा सकता भाई, वो हमारी शान है। मैं फहीम जी की बात से अग्री करती हूँ कि वो हमारी शान है, पर्यटन में उसने हमें अभी तक रेवेन्यू दिया है, आगे भी उसका हमें लाभ भी मिलेगा, मिलना भी चाहिए, और वो केवल लाभ और उस लेंस से भी नहीं, वो हमारी शान है क्योंकि वो आर्किटेक्चरली एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसको मोहब्बत की इमारत माने, मुझे इससे दिक्कत है, एज अ रिसर्चर मुझे इससे दिक्कत है, क्योंकि जब मैं उन 20,000 कारीगरों के बारे में सोचती हूँ जिनके हाथ काटे गए तो मैं उसको नहीं है। देखिए मैं इसमें फहीम जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, अभी नहीं, आपसे देखिए आप अगर यहाँ बैठकर नहीं प्रमाण नहीं तो ऐसे तो फिर प्रमाण कैसे है कि शाहजहां ने बनवाया, कैसे है प्रमाण नहीं बताइए ना, वैसे ही क्या बात कर रहे हैं आप, कारीगरों के हाथ काटे गए, ये भी हिस्ट्री में लिखा है। आप अनजान नादान की तरह, मैं अनजान नादान की तरह बात नहीं कर रही, ये मुझे इन्फेंट, ये महिलाओं को इन्फेंटलाइज करने वाला आर्गुमेंट मत दीजिए, फिर महिलाओं पे बिल्कुल आऊंगी मैं, आप बात कर रही ताजमहल की, आप भ्रम फैला रही है, आप यहाँ मिथ्या और भ्रम फैला रही है, तो नहीं फैला रही, मैं आपको यहाँ रोकूंगा ना, 20,000 कारीगरों की गलत गलत बता दीजिए इतिहास में कहाँ दर्ज है, कौन से इतिहासकार ने इसका वर्णन किया है, और कौन सी किताबों के बाहर पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ आएगा। अरे भाई मैं अपनी अपनी की बात की लड़ाई है, मुझे बता दीजिए ना, मैं कोट कर रहा हूँ और अभी पढ़ के आऊंगा और डिबेट रखवाएंगे, आप मुझे उस इतिहासकार का नाम और किताब का नाम बता, ठीक है सुमित कंप्यूटर, मैं देखिए वो 20,000 का ठीक है अपने हिस्ट्री की का अरे आप बताइए ना, आप एक मिनट मैं उस किताब को फहीम बेग पढ़ के आऊंगा, फहीम बेग एक शुभ रास्ता बताऊंगी आपको, फहीम बेग शुभ रास्ता कुछ रिसर्च कुछ शोध तो भारतीय संस्कृति आपको भी करना चाहिए। शुभ रास्ता लेट मी वारिस पठान क्या ये दावा गलत है कि हाथ काटे गए थे? अरे तो उन्होंने लाल किला भी बनाया था, तो लाल किला पे हमारे प्रधानमंत्री जाके क्यों झंडा लगाते हैं? देखिए मैं इसे बता दूं, एक इकरारनामा साइन किया गया था, इस प्रकार का कोई और इमारत नहीं बनाएंगे वो कारीगर। सुमित जी आज हमारे देश में चर्चा होनी चाहिए डेवलपमेंट की, विकास की, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो फॉर्मल
और इकोनॉमी को खराबा हुआ है उसकी बात होना चाहिए, उसकी जगह सुमित संबित को आगे किया जाता है, बीजेपी में आ गए एक सुमित में नहीं आते ना, डिमोनेटाइजेशन डिबेट हो जाते हैं, इसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयान दिए जाते हैं और साइन करने के बाद नहीं करते, तो क्या मैं ये समझ लूं कि बीजेपी की सरकार संगीत सुमित के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और वो ये मानते हैं कि ताजमहल एक कलंक तो बता दीजिए जो जहां तक मेरी जानकारी है, तो आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं 20,000 कोर्ट बताइए किताब का उस इतिहासकार का नाम बताइए, इतिहासकार और उसका कोर्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपका जो सच की मैं आप नहीं बताऊंगा, मैंने खुद देख रखा मुझे कहीं एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके पूरे दुनिया के लोग आते हैं देखने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, दुनिया में आन बान शान है, हिंदुस्तान में जितनी स्टेट विजिट हुई है सब वहां जाते हैं, वाजपेयी जी की तस्वीर वहां की है, तमाम प्रधानमंत्री वहां जाते रहे हैं, अबे दुबे समित पात्र इसके बाद जवाब दीजिएगा, अबे दुबे देश की जनता, अबे दुबे नहीं पढ़ा सकते, अबे दुबे क्या जानबूझकर मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मामले उठाए जाते भड़काए जाते, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा या हरीश रावत ने कहा आपके नेता ने, अबे दुबे समित पात्र आप जवाब दीजिएगा। ठीक है सुमित जी, अगर आप पूरी डिबेट को उठाकर देखें तो 22 बार संबित पात्रा जी ने बाबर की माला जपी और 8 बार औरंगजेब की माला जपी है, इससे लाभ किसको है मैं बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने 19/6/1924 पृष्ठ क्रमांक 276 खंड 24 गांधी वांग में वो कहते हैं कि कुरान में अहिंसा का मुख्य स्थान है, पर 1300 साल के साम्राज्य विस्तार करने के कारण मुसलमान ये वर्तमान हो गई है, तो इसमें किसको किसको सुन लीजिए, अब सुन लीजिए पात्रा जी, तो इसमें किसको संदेह है कि वो आक्रांता ही नहीं थे उस समय के शासक, बर्तानिया हुकूमत डच आए पुर्तगीज आए सब आक्रांता ही थे, आज आप बताइए कि इन बातों को करके कि 20,000 लोगों के हाथ काट दिए थे, अरे तो इतिहास से जाकर प्रतिशोध ले लीजिए, आज देश के राष्ट्रपति कोविंद जी कहते हैं कि दुबे जी समूचे पॉलिटिकल मत बनाइए, मैं जवाब दे सकता हूं, कोई नहीं कह रहा कि ये आदमी इतिहास में वापस जाने की बात नहीं कर रहा, सम्मान के प्रति माना जाते हैं, संबित संबित बता दीजिए संबित पात्र, ठीक है मैं दुबे आपकी बात का जवाब संबित पात्र देंगे, संबित पात्र अपना नखून संबित पात्र सुमित जी मैंने सबकी बात को सुना, आप मुझे प्लीज सुन लीजिए, बिल्कुल संबित बोली सुमित जी मैंने कहा था दो हिस्से हैं इस डिबेट के, जहां तक मॉन्यूमेंट का सवाल है उस सुमित जी मैं बोल सकता हूं कृपया करके, तब से मैं कोशिश कर रहा हूं, प्लीज सुमित जी बोलिए बोलिए आप बोलिए, अरे वैसे बंद वैसे नहीं कुछ बन पड़ रहा है आपसे सुमित जी, जहां तक मॉन्यूमेंट का सवाल है वो अलग विषय, उस पे जवाब हो गया, जहां तक इतिहास का सवाल है मैं आपके पैनल में कहता हूं संगीत सॉन्ग के बारे में बताइए, चैलेंज करता हूं कितने लोग बाबर को और औरंगजेब को गद्दार कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं कहता हूं कि बाबर और औरंगजेब गद्दार थे, बाबर पे और अकबर पे औरंगजेब पे जाकर क्या उस इतिहास को बदला जा सकता है कि हिंदुस्तान में मुगल रहे थे। सुमित जी मैं केवल एक कहूंगा जी कि शुरू में जब आंकड़े आपने दिखाए थे जी तो करीब मैं समझता हूँ 4555 के आसपास का था जी जी, यानी उनके समर्थ जी हाँ जी हाँ मतलब समर्थन बढ़ा है संगीत सॉन्ग के लिए, नहीं पहले कम बढ़ा था अब ज्यादा जैसे जैसे ये बहस बढ़ती जा रही है लोग टीवी पर देख रहे हैं जी जी, अब आप देख लीजिए, और अभय दुबे जी जो बात कह रहे थे कि बीजेपी का फायदा होता है वो तो सामने अभी देखिए आपके सामने ऑब्जेक्टिव है जी, क्वांटिफाई हो गया बिल्कुल, तो मेरा ये सवाल है कि जब आप जान रहे हैं कि ऐसी बात पर बहस करने से सहानुभूति जाएगी उस आदमी के साथ, क्यों जानबूझ के ऐसी चीज करते हैं कि जिसमें बीजेपी का फायदा हो, चलिए मैं तो कांग्रेस से पूछ रहा हूँ तमाम लोगों से। इसी नोट पे शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का, लेकिन डिबेट आगे भी जारी रहेगा, संगीत सोम ने जो कुछ कहा